न रूपमस्येहतथोपलभ्यते नान्तो न ना चादिर्न ना च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् अशङ्गशस्त्रेण दृढेण छित्त्वा नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं गुरुवार के गुरु कार्यक्रम में शनि मंगल से संबंधित मैंने सोचा कि आप लोग बड़ो मांग कर रहे थे तो शनि मंगल की युति पे विभिन्न भावों में इनका फल कैसा होगा यह बता देते हैं आप लोगों को मैंने शनि मंगल से संबंधित जो कार्यक्रम बनाया था उसमें शनि से आ, मंगल को दस घर आगे या मंगल से शनि को चार घर आगे का बताया था प्रभाव या कई बार वो आगे पीछे बैठे थे उसका प्रभाव बताया था अभी उसकी एक कणी बाकी है मतलब उसका अभी एक कार्यक्रम बाकी है पर इस वजह से कि इसको समझने से पहले हमें इनकी युति को विभिन्न भावों में समझना आवश्यक होगा तो शनि और मंगल को अगर आप लग्न में देखते हो चाहे वो किसी भी जातक की कुंडली हो अगर वो मेष लग्न की हो तुला लग्न की हो या फिर मकर लग्न की हो आप जब विचार करें पर ये राशि को दो मिनट के लिए मैं आपको अगर मिटा भी दूं तो आप सिर्फ यहां देखिए कि शनि और मंगल लग्न में बैठे हैं इसका व्यापारिक परिणाम व्यवसायिक परिणाम बड़ा अच्छा होता है पर अगर वो शनि के मेष राशि शनि की उच्च राशि तुला में शनि की अपनी राशि मकर में मंगल की अपनी राशि मेष में और उच्च राशि मकर में बैठे होंगे तो कई बार उनको नौकरी में पदोन्नति में दिक्कत भी होती है हम्म यहां व्यक्ति अब ध्यान से समझिएगा होता क्या है यहां व्यक्ति कई बार पद की इच्छा और अधिकार संपन्न होना चाहता है ध्यान से समझिएगा कथा की तरह लग्न में अगर शनि मंगल बैठे हों अगर किसी भी राशि में बैठे हों तो वो नौकरी वगैरह उनको अच्छी मिल जाती है बस ये बात बहुत हद तक आगे बढ़ जाती है कि वो व्यक्ति नौकरी पेशा वाला होता है नौकरी करने वाला होता है सरकारी नौकरी चाहे वो राज्य सरकार की हो चाहे वो केंद्र सरकार की हो अगर चंद्रमा बहुत ज्यादा बलवान होंगे तो राज्य सरकार की अगर सूर्य की स्थिति कुंडली में बहुत ज्यादा बलवान होगी तो केंद्र सरकार की पर वस्तुतः उसको नौकरी मिल जाती है बात नौकरी की है दूसरे नंबर पर उसको संतति में दिक्कत नहीं होती है उसको संतति दो से अधिक तीन से चार तक हो जाती है ये भी बात है अगर मेष तुला और मकर के बैठे हैं तो इसे संतति के मामले में यहां भी कमजोरी नहीं होगी बाकी अन्य राशियों में भी बैठे हैं तो भी उनको संतति हो जाती है क्लियर है अगर आप यश कीर्ति मान सम्मान और गंभीरता के मामले में विचार करेंगे तो अगर एक सात और दस के अतिरिक्त अगर किसी भी राशि में बैठे होंगे शनि मंगल तो व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठापन्न बना देते हैं यहां भी उसको सामान्यता प्रतिष्ठा मान सम्मान एक हद तक मिला रहता है बहुत ज्यादा नहीं बाकी के अन्य राशियों में अगर उस पर राहु केतु का भी प्रभाव पड़ जाएगा तो उसमें उसका मान और सम्मान कम हो जाएगा बात समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं अगर एक सात और दस के अतिरिक्त बैठे होंगे तो व्यक्ति को मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिलेगा बढ़िया और उसपे अगर श, राहु और केतु का प्रभाव पड़ जाएगा या फिर अगर किसी भी ग्रह का प्रभाव नहीं पड़ेगा तो उसको मान सम्मान में कमजोरी मिल जाएगी और अगर कोई ग्रह देख रहा हो मतलब गुरु देख रहे हो शुक्र देख रहे हो बुद्ध देख रहे हो चंद्रमा देख रहे हो तो व्यक्ति को मान सम्मान की वृद्धि होती है जद्दोजहद बनी रहती है इन राशियों में भी उच्च के होने से व्यक्ति अपने कार्य का पालक होता है अभियंता होता है भारी मशीनरी में काम करने वाला होता है मैनेजमेंट कंपनी में काम करने वाला होता है पत्थरों का काम करना करता है ग्रेनाइट का जो चलने वाला पत्थर होता है ईट भट्ठे का, का काम करता है चिमनी का काम का करे पेट्रोलियम सेक्टर में काम करे गैस एजेंसी में काम करे उसके बाद फलों का काम करे कृषक भी हो जाता है वैसे ये इसके पार्ट टाइम जॉब हो सकते हैं पर प्रमुखता उसको नौकरी मिलती है नौकरी में पदोन्नति में सहायता नहीं मिलती इस वजह से कई बार व्यक्ति बहुत एक से दो ही पद आगे बढ़ पाता है ज्वाइनिंग के बाद एक से दो पद आगे बढ़ता है उसके बाद उसको नौकरी में दिक्कत होती है तो अगर आपकी कुंडली में या फिर अगर आप भी नौकरी करते हैं और आपको लग रहा है कि मुझे वो भाव वो पद का प्रभाव नहीं मिल रहा है या फिर जो अधिकार आप चाहते हैं अगर नहीं मिल रहा है तो आपको अपनी कुंडली के लग्न को देखना चाहिए वहां पे बन रही राशि को देखना चाहिए वहां बैठे ग्रहों को देखना चाहिए क्योंकि वस्तुतः आप लोगों को मैंने बात बताई थी कि लग्न कुंडली में लग्न में विषम संख्या की राशि का बनना बड़ा अच्छा होगा यहां शनि नीच के होंगे तो मंगल के कारण बैठने से उनका नीच भंग नहीं होगा अगर मंगल तुला राशि के बैठेंगे तो शनि के कारण बैठने से उनके ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि मंगल से तुला राशि का संबंध बड़ा सामान्य होता है अगर शनि दस नंबर में और मंगल दस नंबर में बैठेंगे और गुरु का प्रभाव शुक्र का प्रभाव और चंद्रमा का प्रभाव या बुद्ध का प्रभाव लग्न पे पड़ जाए तो यह उत्तमोत्तम स्थिति प्राप्त होगी जहां व्यक्ति प्रशासनिक सेवाओं में सेवा करते देखा जाता है वो वन विभाग में जंगल विभाग में वही बोलते हैं ना जंगन और मंगल वही वन विभाग में उसके बाद जो खेती बाड़ी का काम होता है उससे कृषि का काम उसके बाद गोरक्षा वाणिज्य का काम फसल उत्पादन करना और उसे बाजार तक बेचना ट्रांसपोर्ट का काम भी बहुत अच्छा होता है हैवी मोटर व्हीकल्स का काम बहुत अच्छा होता है एजेंसी व्यक्ति ले लेता है छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाता है और कई बार तेल मिल दाल मिल आटा मिल चावल मिल ऐसा भी कोई ऐसा राइस मिल वगैरह काम लेकिन उसमें गुरु और सूर्य की स्थिति ज्यादा होती है चंद्रमा यहां यहां की जीवन का उत्तरार्थ जो होता है अब मान के चलिए चालीस वर्ष कम से कम जीवन का आरंभ वाला क्षेत्र और पूर्वार्ध पूर्व का उत्तरार्ध बाद का उत्तरार्ध का जो क्षेत्र होगा जातक का वो ज्यादा मान सम्मान से पद प्रतिष्ठा से धन धान्य से और सुख से युक्त रहता है आरंभ मतलब पूर्वार्ध में पूर्व का आधा जो है वो मेहनत मशक्कत करके खुद को प्रूफ करेगा और उसके बाद पूरे पूरे काल में मतलब जीवन के पहले आधे हिस्से में उसे मशक्कत मेहनत और नौकरी के लिए मेहनत करनी पड़ती है वस्तुतः उसको नौकरी अवश्य मिल जाती है यहां आपको आलस्य में देखा जाता है यहां आपको प्रमाद भी होते देखा जाता है यहां आपको दम भी लगाना पड़ता है यहां आपको खुद को प्रूफ भी करना पड़ेगा यहां आपके जीवन में विषम परिस्थितियों का निर्माण भी होगा यहां आप कई बार अपने आप को लेकर के असमंजस में नहीं होते क्योंकि आपको पता है कि आप साहसी हैं और आप जिद्दी हैं हठी हैं और आपके पास जो जैसा करता है वैसा करने का बल है पर फिर भी आप अपना क्रोध कभी जाहिर नहीं करते व्यक्ति क्रोध अपना जाहिर नहीं करता हंस करके ही सारी चीजें सीख लेता है रेलवे में नौकरी करे डाक विभाग में अग्नि विभाग में जो फायर ब्रिगेड वाला काम होता है ऐसा अगर ये दोनों क्लोज कंजंक्शन में होंगे मतलब शनि भी सत्रह डिग्री के हों मंगल भी अट्ठारह डिग्री के हों और आसपास सूर्य ना बैठे हो अस्त तो दोनों ना होते हो तो व्यक्ति जब जरूर ही प्रतिद्वंदिता के भाव से युक्त होता है स्त्रियों का सम्मान करने वाला कभी कभी भी उनके कभी भी उनके उनके प्रति न रखने वाला, पास जा करके उनसे बदतमीजी न करने वाला आदरणीय होता है स्वयं भले कम पर दूसरों का आदर खूब देता है वो बड़े विद्वान और बड़े लोगों से अपनी मित्रता और मैत्री करता है और उनका आदर देता है अपने से बड़े उच्च लोगों से जो पद पे युक्त हैं पद से युक्त हैं उनका आदर करता है पीठ पीछे भले उनकी बिराई दो मिनट दो सेकंड के लिए कर दे पर वैसे उनके प्रति कभी भी कृतज्ञता का भाव नहीं रखता है यह हमेशा ही देश सेवा से लबरेज होता है भरा होता है कृतज्ञता का भाव रहता है नमक हलाल होता है और कभी भी बुद्धिमता से काम करता है झगड़ालू नहीं होता मेहनत खूब करे खुद को हमेशा ही रगड़ करके आगे प्रस्तुत करता रहे पर घुसखोरी का काम नहीं करता अब इसमें आज के समय में कुछ उत्तरोत्तर जो प्रभाव है वो कलयुगी प्रभाव होता है इस वजह से व्यक्ति को हर बार घुसखोरी का काम करना पड़ता है उसको पैसे की लालच होती है पर डरता भी है उसको पैसे की लालच होगी पर डरेगा भी और चाहेगा कि मैं पद से युक्त हो जाऊं तब खूब पैसे कमाऊं वो पद की इच्छा रखता है अधिकार की इच्छा रखता है और अपने माता और पिता की सेवा उनके प्रति अच्छा भाव पर कई बार परिवार से उसकी थोड़ी कम बनती है परिवार से उसकी थोड़ी कम बनती है वस्तुतः वो सबके लिए कुछ अच्छा करना चाहता है दान के परोपकार के गुण उसके अंदर बहुत अच्छे होते हैं पर उसको कई बार मौका नहीं मिलता या जिम्मेदारी निभाते निभाते बच्चों की जिम्मेदारी पत्नी की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा पत्नी का सहयोग आर्थिक रूप से नहीं मिलता पर मानसिक रूप से और प्रेम का जो भाव होता है वो निश्चल होता है व्यक्ति का कुशाग्र बुद्धि का होता है रटंतु भी होता है रटने वाला भी होता है गणित के आंसर भी रट जाए उत्तर तक रट जाए ऐसा और प्रैक्टिकल तो नहीं होता दुर्बुद्धि भी कभी कभी जागृत होती है कभी कभी ईश्वर में अनास्था का भाव भी दिखा देता है और अपने पराक्रम पे कई बार ज्यादा बलवान नजर आता है ऐसा ये सब इनके भाव होते हैं पर ये बात आप लोगों को मैं बताऊं कि लग्न में विषम संख्या की राशि का बनना अच्छा होता है इस वजह से अगर एक और सात में ये बैठेंगे तो ज्यादा परिणाम अच्छा करेंगे अगर दस नंबर की राशि लग्न में बनेगी वहां परिणाम उनका कम होगा उसमें नौकरी में भी बाधाएं बनती हैं पदोन्नति में भी बाधाएं बनती हैं, मान सम्मान भी कम मिलता है रगड़ना पड़ता है मेहनत करनी पड़ती है खुद को प्रूफ करना बार बार पड़ेगा अपने व्यक्तित्व पे काम करने के लिए आपको बार बार कहा जा सकता है आप बार बार एक ही गलती कई बार 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 कर देते हैं और वो इस वजह से नहीं करते कि आपकी बुद्धि कमजोर है कई बार आपको बाहर का डर बॉस का डर आपसे बार बार गलती करवाता रहता है एक लक्षण पूरा नहीं हुआ दूसरा लक्षण लगेगा एक जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई उसी महीने में दूसरी जिम्मेदारी भी आएगी इस वजह से आप कट कटा करके कट कटा करके कई बार जीवन को पूरा करते हैं बंधी हुई आय मिलती है इस वजह से उसको संतुलन बनाने में मेहनत करनी पड़ती है ऐसे लोगों को बजरंग बली की पूजा खूब करनी चाहिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य सुनना चाहिए संकट नाशक गणेश का पाठ अवश्य करना चाहिए हनुमान जी के मंदिर का दर्शन करना चाहिए अगर हो सके तो पीपल के वृक्ष को घी का दीपक दिखाना चाहिए जला करके और पांच बार परिक्रमा करके अपने पितरों को अवश्य ही संतुष्ट करते रहने की आवश्यकता है अपने पितरों के निमित्त हमेशा ही प्रणाम करते रहना चाहिए इस युति के कमजोर परिणाम कई बार इसलिए मिल जाते हैं भगवान आप लोगों को मैं बताऊं क्योंकि ये दोनों ही पापक ग्रह होते हैं और दोनों में कट्टरता बढ़ी रहती है वैसे शनि न्यायप्रिय ग्रह होते हैं पर मंगल साहसिक ग्रह होता है शनि मंद गति तो मंगल तीव्र बुद्धि का ग्रह होता है वो चपल चंचल चालाक है नाटेकद का है बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं है पर फुर्तीला है मतलब आप यू समझ लीजिए कि उसके पास मार्शल आर्ट की आ, 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 एक अच्छी जानकारी है जहां उसको इस बात की जानकारी है कि सामने वाला चाहे कितना ही बलिष्ठ क्यों ना हो उसके किस अंग पे मुझे प्रहार करना है मार्शल आर्ट वाले क्या करते करते हैं हैं यही तो करते है। उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि कहां पे इस व्यक्ति की कमजोरी कहां है वहीं पे वो वार करते हैं और एक सेकंड में युद्ध खत्म हो जाता है यह बात है अब आइए आपको गीता जी बता देता हूं गीताजी के पंद्रहवें अध्याय के तीसरे श्लोक में आने से पहले आपको दूसरे श्लोक में क्या बताया था कि जो अश्वत्थ वृक्ष है जैसे आप पीपल का वृक्ष देखते हैं तो उसके जो विभिन्न पत्ते हैं वो वेद हैं और उसका मूलाधार उसका मध्य का हिस्सा और उसका ऊर्ध्व भाग मतलब ऊपर वाला जब आप इसको वेद शास्त्र को और हमारे सनातन को ऐसे समझने की कोशिश करते हैं तो आपको पता चलता है कि वैसे ये मूलतया दिखता नहीं है वैसे ये मूलतया दिखता नहीं है मतलब यहां ये भगवान ने मूलतया बात कही है कि इस अस्वत्थ वृक्ष के मर्म को समझने की आवश्यकता है मूल क्या है तो मूल क्या है कि वस्तुतः आप संघ से अपने आप को मुक्त कर लो मतलब संग ना बने किसी से भी चाहे वो लो, लोगों से हो चाहे वो संबंधों से हो चाहे वो चीजों से हो चाहे वो परिस्थितियों से हो आप कई बार परिस्थिति में उलझ जाते हैं उससे निकल नहीं पाते बिकट हो या विषम हो सम हो या विषम हो किसी से आपका संग नहीं है आप जब संग में जाएंगे तो आपका संबंध बनेगा और जब संबंध बनेगा तो आप उससे प्रभावित होंगे बस बात खत्म मतलब अगर विषम परिस्थिति का निर्माण हुआ आप उसके संग में नहीं है अगर कोई बहुत अच्छा धनवान व्यक्ति मिला आपका उससे कोई संग नहीं बना बस सामान्यतः हां हेलो भाई राम राम तो राम राम बहुत ज्यादा चिपकने की वृत्ति जो है वो व्यक्ति को प्रवृत्ति मूलक बना देती है और बहुत ज्यादा स्वतंत्र है तो बिल्कुल ठीक है ना तो आपको नुकसान है और ना तो आपका फायदा बस यही बात है तो मूल यही है कि आपका संग सिर्फ परमपिता परमेश्वर के साथ होने की आवश्यकता है बाकी के लोगों के साथ नहीं तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार